टिप्पू विवाद इस कदर गरमाया कि हाथ काटने की धमकी आ गई। धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि श्रीराम सेना के अध्यक्ष हैं, जिनका विवादों से पुराना नाता है। राम हाकिदंता भावचित्र ई बैनर ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ 23 फिर वीर सावरकर पर विवाद, फिर छिड़ी पोस्टर पर जंग, फिर सावरकर बनाम टीपू सुल्तान की लड़ाई में सुलगा कर्नाटक। वीर सावरकर पर एक बार फिर कर्नाटक गर्मा गया है। 15 अगस्त को ही शिवमोगा में सावरकर के पोस्टर पर बवाल हुआ था। सावरकर के जवाब में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने की कोशिश हुई तो पुलिस ने खुद सावरकर का पोस्टर हटाकर मामला शांत कर दिया, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। तब भी हिंदू संगठन नाराज थे, विरोध में धरना प्रदर्शन भी किया, सावरकर का अपमान बताते हुए नारेबाजी भी की। दो दिन पहले वीर क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर को अपमान किए हुए देशद्रोही मुस्लिम युवकों को उनको कार्रवाई किए होता तो आज का घटना नहीं होता। आज टिप्पू सुल्तान का फोटो लगाकर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हु इज टिप्पू सुल्तान? टिप्पू सुल्तान एक देशद्रोही है। सावरकर को लेकर श्रीराम सेना ने एक बार फिर मुहिम छेड़ दी। बेलागावी से इसकी शुरुआत हुई। मुथालिक सावरकर के बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल पड़े। आम हाकिदंता भावचित्र ई बैनर ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ 23। कर्नाटक में सावरकर टीपू सुल्तान विवाद नया नहीं है। सियासी खेमेबाजी के कारण दोनों महापुरुष वोटों की राजनीति में ऐसे बटे कि दोनों के अपने अपने झंडाबदार उभर गए। मौजूदा सरकार सावरकर की सियासत को तूल देती रही तो पिछली सरकार टीपू सुल्तान के पक्ष में खड़ी रही। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो।